हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं परिवन वीडियो मीना वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ। ये हमारी माया बना रही है, क्या बना रही हो? दही बड़े। या दही बड़े बना रही है। मेरे लग गई जुखाम, जुखाम लग गई, बोला नहीं जा रहा। आप तो फिर दही बड़े मत खाना। नहीं नहीं खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। अरे नहीं, जो जुखाम में नहीं खाते। अरे जरूरी है, बावड़ी चके नहीं खाते जुखाम में, तो मैं रोटी सेक दूं। चल ठीक है, फिर मत भेज तू। तो ये दही बड़े बना रही है, ये आज मेरे साथ भेजेगी। ये देख लो पास से, काई में वो उबाल रहे हो उनको, तेल में उबाल रही है। ये मसाला दही, ये देखो ये है दही बड़े। मजा आएगा आज तो खाने में। और ये चाय बन गई हमारी, हमारी मैडम ने बना दी चाय। और चाय पी लो आप सब भी, आ जाओ जिसको दही बड़े खाने। आज बना रही हूँ मैं दही बड़े। अच्छा सही है। और बने रहे ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग। आज तो मैं जल्दी काम से फ्री हो गई, मेरा काम हो गया। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, भाग भाग नहीं रहती, जल्दी काम हो जाता है। मैं जा रही हूँ नहाने, आज इस चुलबुल की पेरेंट्स मीटिंग, तो मैं स्कूल जाऊंगी। तो अभी नहा के आते हैं। क्या आ चुके हूँ, ये हमारे आंवले बॉयल हो रहे हैं। मम्मी जी पता नहीं क्या बनाए गए, इनका आम चूर्ण बनाती थी। और ये हमारे दही बड़े भीग रहे हैं, इसमें हमें डाल के दही बड़े खाएंगे आज। तो जो काम तो सबके लग रही है, मम्मी खा लो। देखो दही बड़े, ये वाओ। ठीक है, कैसे बने चुलबुल दही बड़े? खा के देखो। बाल है इसमें। ए तू क्या कर रहा है? चीकू खा रहा है क्या? क्या कर रहा है? इधर बोल। चीकू खा रहा है, ये चीकू खा रहा है। अब तेरे उस दवाई से दांत भी काले हो गए। खुद तो ना लिया, मुझे नहीं निलाया। तो आज मैं हमारे फार्म हाउस का व्यू दिखाना चाहता हूँ आपको। आज घर पे नहीं गया मैं, आज फार्म हाउस की तरफ आ गया, तो फार्म हाउस का व्यू दिखाता हूँ। बने रहे वीडियो के अंदर, वीडियो धस होने वाला है। आज हमारा फार्म हाउस दिखाता हूँ। आज मैं क्या ना ड्यूटी से सीधा ही फार्म हाउस की तरफ आ गया, तो अब तो यहीं का दिखाऊंगा आपको आज का ब्लॉग तो। और कल तो फिर वापस घर पे। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करे, और जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक करे। तो ये देखो, ये हमारे फार्म हाउस पे जा रहे हम। ये दोसा से पहले पड़ जाता है श्याम सरोवर सिटी के पास में से, रोड जा रही है श्याम सरोवर सिटी के पास में से, वो रोड है। अभी दिखाता हूँ आपको फार्म हाउस हमारा, बने रहे वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यह है नांगड़ बैरसी। अगर नांगड़ बैरसी का कोई भी हो तो तुरंत प्रभाव से कमेंट करें। आज यहीं रुकूंगा। ये देखो गांव का नजारा अलग है, बिसलपुर के उससे पानी भरते हुए नल से, जगह जगह बिसलपुर के नल लगे हुए हैं। ये देखो गाँव का नजारा ही अलग होता है यार, मजा आ जाता है वास्तव में गाँव में आने के बाद में। ऐसे सुकून सा मिलता है, काफी सुकून मिलता है। तो आज मैं सुकून लेने आया हूँ। अब ये चाय की थड़ी आ गई, चाय की दुकान, यहाँ से चाय पियेंगे। तो यार नांगड़ गाँव में फेली की थड़ी छे, अने चाय पियाला। यहाँ पे चाय पियेंगे और फिर फार्म हाउस के लिए रवानगी लेंगे। यहाँ से पास में ही हमारा फार्म हाउस। यहाँ की सरसों देखो फूल आ गए यहाँ पे, तो मेरे को तो कम से कम साल भर हो गए यहाँ पे आए, फूल आ रहे हैं सरसों के। देखिए अपनी सरसों भी जाके देखेंगे कैसी है। तो बने रहे ब्लॉग में। बस अपन पहुंचने वाला है मेन रोड से, 200 मीटर अंदर है बस मात्र। सरसों अच्छी है काफी, बिना पानी की सरसों है, ये काली मिट्टी है यहाँ पे, बिना पानी की सरसों है ये सारी। तो ये आ गए अपन फार्म हाउस पे। ये है अपना फार्म हाउस, मामा जी खोल रहे हैं इसका।
हमारे तारों का लोकल गेट लगाया हुआ है, ओरिजिनल तो है नहीं, बस जानवर नहीं गुस्से बस। अब इसको में गाड़ी डालने की कोशिश करेंगे अपन। यहाँ पे कोई नहीं रहता, मेन समस्या ये है यहाँ पे कोई नहीं रहता। ये मामा जी है मेरे, ये यहाँ की साफ सफाई रखते हैं बस, रहता कोई नहीं यहाँ पे। कोई पार्टी शाल्टी मामा जी गाड़ी थोड़ी कोई पार्टी करते हैं, जैसे मैं तो चिकन मटन सब खाता हूँ, तो यहाँ पे जब भी कभी इच्छा होती है तो आ जाते हैं। और ऐसा कुछ ही नहीं है यहाँ पे, मकान काफ़ी बड़ा बना दिया और यहाँ पे रहता कोई नहीं है। बस मेन मुद्दा ये है, इसमें सारा सब कुछ बढ़िया कर रखा है, ये पूरा अपना ही है, 25 बीघा ज़मीन है ये टोटल। तो ये गाड़ी अपन ने ऊपर चढ़ा दी। तो ये हमारा मकान है, अब कलर पेंट मांग रहा है, ये कलर पेंट करना पड़ेगा इसके। ये मैंने गाड़ी अंदर खड़ी कर दी। ये दो पोर्शन है, एक पोर्शन ये वाला है, एक पोर्शन ये वाला है, ये दो पोर्शन है सेम सेम। और ये आगे रूम बनाया हुआ है छोटा सा। ये है हमारी सरसों, ये पूरी सरसों अपनी है, देखो सौर ऊर्जा सब कुछ लगाई हुई है यहाँ पे, बिल्कुल शांत माहौल। ये सरसों कहने का मतलब, ये जैसे पेड़ है ना, ये मामा जी काफी कहते हैं कि मेरे पापा को कि इस पेड़ों को कटवा दो, इन पेड़ों के नीचे सरसों ही नहीं होती है। देखो नहीं, मेरे पापा जी मानते नहीं, नहीं काटने देते पेड़ों को। ये देखो, ये इधर सौर ऊर्जा लगी हुई है, अभी दिखाता हूँ आपको। आजा सारे। तो ये है हमारा फार्म हाउस। मेरे जुकाम लग रही है थोड़ी, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और मैं वर्दी में आ गया, डायरेक्ट ड्यूटी से आया था इस वजह से। तो ये हमारा फार्म हाउस है, ये 25 बीघा जमीन है पक्की। और ये कैसे गज है, नांगल बोरा नांगल बैर सी, नांगल बैर सी, मैं भूल जाता हूँ, यहाँ पे कमाता हूँ मैं इस वजह से, दोसा के पास में। हाँ, ये मेरे पापा जी ने खरीदी थी 2012 में, खरीदी थी 2012 के अंदर खरीदी थी। आओ आपको हमारी सरसों दिखाते हैं। एक बार देख। तो ये है हमारी सरसों, ये देखो फूल, इसमें फूलों में मजा ही आ जाता है वास्तव में जिंदगी का। यहाँ पे इतनी शांति रहती है, शांति के अंदर वास्तव में। एक दिन में भी मैं काफी दिन से परेशान था, तो मैं देखा यार आज फार्म हाउस पे चल के वहाँ पे सुकून से थोड़ा एक दिन बिताता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। अब वीडियो में बने रहे, आपको पूरा दिखाऊंगा अंदर से बाहर से सारा। ठीक है मामा जी, काट दो। तो इधर तो अपने सरसों लगा रखी है और ये खेत खाली पड़े हैं। मामा जी ये खेत खाली कैसे? ये बाजरा लगाए थे यहाँ पे, तो बाजरा कट गया, आधे के अंदर सरसों लगा रखे हैं और आधे को खाली डाल रखे हैं अपन। ये यहाँ की मिट्टी देखो, मिट्टी बिल्कुल काली मिट्टी है, यहाँ पे पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं आती। ये मेरे मामा जी, ये शकुनी मामा, आज क्या है जुकाम लग रही है यार, आज ढंग से बोला नहीं जा रहा। तो ये देखो हमारे फार्म हाउस पे बेर कितने आ रहे हैं। हाँ तो बेर भी खाने का मजा आएगा, मामा जी तोड़ के देना यार, मेरा कांटा चुभ जाएगा। बेर ही बेर देखो कितने सारे बेर आ रहे हैं, और दा मजा आएगा तो बेर खाने में, बचपन में खाया था और आज खा रहा हूँ। तो ये देखो पूरा खाली है, पीला पीला काफी अच्छा लग रहा है। ये अपना बंगला है, ये देखो। कमेंट करके बताना अच्छा लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल शांत वातावरण है। ऊपर छत का वीडियो और बनाऊंगा अभी, तो बने रहे। भगवती फार्म हाउस नाम है, अभी काम चल रहा था पहले इसके, यानी स्विमिंग पूल का इनका, लेकिन किसी कारणवश बंद कर दिया, अब वापस स्टार्ट करेंगे। तो फरवरी से कर लेना मामा, फरवरी से यहाँ पे स्विमिंग पूल, फिमिंग पूल टोटल सारी चीज़ें बनेगी। ये जब मकान बनाया था ना, जब किया था, लेकिन इसको बंद कर दिया था, फिर किया नहीं। अभी तो इसमें बाउंड्री सारा सब कुछ करेंगे, तो आपको दिखाता हूँ, दिख रहा होगा अपना मकान। यहाँ पे रहता कोई नहीं है, मेरे मामा जी हैं पास में हरिपुरा में,
तो मेरे मामा जी साफ सफाई कर लेते हैं और कुछ ही नहीं। ये है बाद, हम ओनली पार्टी करने आते हैं यहाँ पे। तो यह देखो मामा जी, खोल गेट, अंदर का व्यू दिखाता हूँ। ये मेरे मामा जी है। मामा जी थोड़ी तू मामा छोरो जय। ये देखो मकान कलर पेंट मांग रहा है, कलर पेंट करवाना पड़ेगा। एक पोर्शन दिखाता हूँ अभी आपको। ये हमारी फरारी खड़ी जाए, हमारी फरारी। नहीं डेंटिंग नहीं है, ओनली पेंटिंग है। डेंटिंग, हाँ डेंटिंग भी है थोड़ी थोड़ी भी है थोड़ा। तो ये देखो देखो नीचे मार्बल वार्बल आली शान लगा रखा है। ये देखो लैट्रिन बाथरूम भी वीआईपी है यहाँ पे। ये देखो लैट्रिन बाथरूम वीआईपी, फुहारे से नहाने वाला सारा सब। ये लट भी रख रखे हैं यहाँ पे भाई कटाई करने के लिए। ये रूम बनाए हुए हैं यहाँ पे, टीवी पीवी सारा सब कुछ। अभी ज़्यादा सामान नहीं है इसमें, अब क्या स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल का काम चलेगा ना, जब सारा सामान रख देंगे इसमें। मकान देखो आप, तो नंबर वन मकान है ये। सिटी में रहना है तो मामा, ये सिटी कमाएं तो किराया वो हद मार माल ना करता, 20,000 रुपया 30,000 रुपया तो बड़े मुझे। ये बैठक रूम है, रसोई पुल हमारी रसोई है। ये देखो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वो दूसरा पोर्शन में दिखाओ ना चाबी जी, उधर वाले की। ये देखो पूरी सरसों दिख रही है यहाँ से, आराम से निकल। हाँ ये रूम बनाया था पहले सीमेंट वीमेंट रखने के लिए, तो इसको पक्का ही कर दिया। फिर कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। ये तैयार तो पूरा फरवरी में हो जाएगा। ये सौर ऊर्जा लगी हुई है यहाँ पे, ये सौर ऊर्जा प्लेटें लगी हुई है और ये बोरिंग हो रखा है। कमेंट करके जरूर जरूर बताना भाइयों, और जिसको कुछ थोड़े देर वक्त बिताना हो खाली जगह पे तो तुरंत प्रभाव से संपर्क कर सकते हैं मुझसे। चाबी मेरे पास ले लेना, काफी पैसे लगा दिए पिताजी ने, पूरे पिलरों पे बनाया हुआ है। ऊपर छत पे चलते हैं छत पे। तो गाइज ये मेरे मामा जी का लड़का है, हम पार्टी करेंगे आज यहाँ पे, चिल करेंगे आज चिल। और ये अपनी अपन ने खेती बताई दी आपको, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना। आप कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं क्या ना ड्यूटी से सीधा आया था तो वर्दी में आ गया, आप ऐसे मत सोचना कि वर्दी में वीडियो बना रहे हैं। कई कई गलत कमेंट कर देंगे कि यार वर्दी में अलाउ नहीं है, कैसे बना दिया। तो मैं गलत तो कुछ कह ही नहीं रहा यार, फार्म हाउस की दिखा रहा हूँ, हमारा मकान है। ये है बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अपन छत पे आ गए, छत का नज़ारा दिखाएंगे। दूर दूर तक कोई मकान नहीं दिखेगा, काफ़ी दूर मकान दिखेंगे। ये देखो ये बाउंड्री है ना, तार बाउंड्री, ये अपनी ज़मीन है, वो तो दूसरे की है। ये देखो ये सरसों पूरी अपनी दिख रही है, ये पूरी सरसों अपनी है। ये पेड़ों के नीचे पता नहीं क्या किस वजह से, पेड़ों की वजह से नीचे सरसों हुई नहीं। ये देखो दिखा दिया ना, ये 25 बीघा जमीन है पक्की, एल आकार में है। ये देखो नज़ारा देखो आप, बिल्कुल हरियाली हरियाली और बीच में मकान, वास्तव में आनंद ही आ जाता है यहाँ पे। ये पीछे पानी की तड़ाई है, अभी खाली हो गई है, ये नरेगा से खुदवाई हुई है। ये देखो यहाँ पे सौर ऊर्जा, वो क्या नीचे वाली ऊपर लगा देंगे हम सौर ऊर्जा। छत काफ़ी लंबी चौड़ी है ये इधर का, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये दूसरा वाला है जो इसकी चाबी मामा जी घर पे भूल आए, उधर वाले की चाबी है। इधर दो पोर्शन नहीं है। ये देखो सौर ऊर्जा लगी हुई, ये देखो ये पानी की तड़ाई है, सवाई चक जिसको कहते हैं वो। ये देखो कमेंट करके जरूर बताना
बीच देखो चारों तरफ खेत और बीच में मकान, कैसा फील हो रहा है? आप मेरी जगह अपने आप को रख के देखना कैसा फील होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो के माध्यम से मेरे पिताजी के पास ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ। मेरे मामा जी है, ये दो समस्या है, कोई क्या पता कौन सी समस्या बता रहा है। हाँ मामा, मैं कह रहा हूँ हाँ। देखो सरसों इधर तो बहुत अच्छी है, इन पेड़ों की वजह से, ये देखो सरसों है ना, पेड़ों की वजह से बिल्कुल ही सरसों उगी नहीं बिल्कुल भी। तो क्या करना है? इनको कटवाना है। पापा जी ऐसे कहते हैं कि इनको कटवाना नहीं, इनको छांग देंगे। मैं कह रहा हूँ जैसे बोलना कि पेड़ छांगने से कुछ नहीं होगा, काटना पड़ेगा इनको नीचे से। यार नीचे से काटने से, नीचे से काटने का क्या ताल्लुक? ये तो इसकी छाया की वजह से नहीं हो रहा। छाया की वजह से नीचे, मतलब तना है ना नीचे से, पानी सोख लेता है, पानी को तने की वजह से क्या? तने की वजह से, इसलिए। तो ये जज को बोलना कि इनको कटाना है। कितने पेड़ है टोटल? ये कोई 10 पेड़ है, इनको कटाना है। आपने देख लिया चारों तरफ घूम के तो नुकसान कितना है, आप भी देख लो, उधर भी देख लो, ये देख लो। और दूसरी बात, इस मकान का मतलब कलर करवाना, कलर पेंट। कलर पेंट पे तो आ गया, ये देखो इसका कलर पेंट अभी तक करवाया नहीं, एक बार भी नहीं करवाया। ये तो बिल्ला पुट्टी जो करवाई थी वही है। तो वो तो फिर अब स्विमिंग पूल को काम चल रहे थे तो करा दे ना, सारा काम करवा लो। लेकिन आप बताना चाहिए एक बार, ये कराना है, वो आते नहीं है आपको ध्यान इस बात का। तो ये है मेरे मामा जी की दुख भरी दास्ता। तो ये पेड़ों कटाने के लिए कह रहे हैं अमल किया जाए। देख लो सरसों इधर कितनी अच्छी है, इधर देखो बिल्कुल उगी नहीं है, आप खुद देख लो स्पष्ट आपके सामने जो भी है। तो पापा जी ते सुन रहे हो तो सुन लीजियो, मामो काय के बचाओ छे, मन तो डर लागे तो पापा जी ने खेता। तो वीडियो के माध्यम से मामो खुद की दुख भरी दास्ता सुना दियो। हाँ यह चबात है, अमल करो। और कलर पेंट पे भी खे रहे हो जाए, खैर कलर पेंट पे तो सही खे रहे हो जाए भाई। यार कलर पेंट तो कभी करवाया है लेकिन करवाना पड़ा। लो मैं भी यार साल भर के बाद में आ जाया हूँ, मैं अभी आता नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिलता इस वजह से। तो बड़ी बड़ी फैमिली आती है यहाँ पे देखने के लिए, कुछ जरूरी नहीं है, सभी आते हैं यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं। यहाँ पे तो जो पार्टी शार्टी करते हैं वो आ जाते हैं, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। क्यों कर रहे हैं क्या अधिकारी? लोग भी आते हैं यहाँ पे अधिकारी, वो तो आते हैं कि यार इन पेड़ों को काटो, इसके कलर कराओ तो अच्छा लगे। तो ये है, ये है मेरे मामा जी की दुख भरी दास्ता। मकान तो काफी लंबा चौड़ा है, ये देखो ये रहा दूसरा पोर्शन, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है। तो इसकी चाबी कौन गई? की चाबी यार घर रहेगी भाई यार, खुल लो तो थोड़ी। चलो ठीक है, नहीं सेम सेम है, दोनों सेम पोर्शन है दोनों। तो इन्होंने पापा जी ने बनाया था, कैसे ये मकान कैसे सन में बना दिया था मामा? मकान कैसे सन में बनाया था? ये जो 2014 में 14 में बनाया था, 12 में खरीदे थे जमीन, 14 में काम चालू हो गया इसका, 14 में बनवाए थे 2014 में और कम्प्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही, अब आप भी बोर हो गए होंगे।